कल रात मैं अपनी बेटी को एक कहानी सुना रहा था, आप सुनेंगे। तो जी ऐसा था कि एक तरफ वानरों की सेना थी और दूसरी तरफ थी लंका, और दोनों के बीच में महासमुद्र। अब वानर सेना बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रही थी, राम सेतु का निर्माण कर सीता मैया को वापस जो लाना था। प्रभु श्री राम किनारे पर खड़े सब कुछ देख रहे थे, तभी उनकी नजर पड़ी एक गिलहरी पर। गिलहरी जो थी वो पानी में जाती, फिर किनारे पर आती, रेत में लौट जाती थी, फिर राम सेतु के पत्थरों की ओर फिर भागती, फिर से पानी में जाती, फिर रेत में, फिर पत्थरों में। राम जी को आश्चर्य हुआ कि ये हो क्या रहा है। वो गिलहरी के पास गए, पूछा, तुम गिलहरी कर क्या रही हो? गिलहरी ने जवाब दिया कि मैं अपने शरीर को गीला करती हूँ, उस पर रेत लपेटती हूँ और पत्थरों के बीच की जो दरारें हैं उसको भरती हूँ। राम सेतु के निर्माण में मैं भी अपना छोटा सा योगदान दे रही हूँ। आज बारी हमारी, अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हम में से कुछ वानर बने, कुछ गिलहरियां बने और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदार बने। मैं खुद करता हूं शुरुआत, मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस भव्य मंदिर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन और संदेश पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे। जय श्री राम। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।